द कब पढ़ेंगे कि द कब पढ़ा जाता है और दी कब पढ़ा जाता है। द और दी कहां पर द पढ़ेंगे और कहां पर दी पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझा। तो जैसे कि बहुत जगह तुम लोग देखा होगा कि कोई अगर मूवी खत्म होता होगा तो तभी देखता होगा कि मूवी के अंत में लिखाता है द एंड, ऐसे लिखाता है। तो वहां पर द नहीं बोल के वहां पर क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी कोई अगर लोग मूवी भी अगर देखते होंगे तो मूवी का जब लास्ट एंडिंग होता है तो मूवी का एंड में दिखाता है कि द एंड है ना। तो किसी का तुम मुझसे अगर सुना होगा, हो सकता है कि कहीं पर कोई दी बोलता है यहाँ पर द एंड, किसी के अगर कहीं से अगर कभी गौर किया होगा तो सुना होगा कि कहीं पर द को दी पढ़ देता है और कहीं पर द को दी बोलते हैं, समझा। तो इसका क्या नियम है, कैसे तुम पढ़ेगा कि कहीं पर द बोलेंगे, जैसे कि द कैट, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लोग, द कैट, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, द कैट, किसी का हिंदी में लिख रहे हैं द कैट, यहाँ पर पढ़ रहे हैं द कैट, यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं द कैट, लेकिन यहीं पर बोलेंगे तो यहाँ पर एप्पल रहेगा तो ये जगह क्या हो जाएगा, दी एप्पल, क्या हो जाएगा, दी एप्पल हो जाएगा। वही चीज बता रहे कैसे, देखो यहाँ पर लोग पढ़ दिए द कैट और यहाँ पर पढ़ दिए दी एप्पल, यहाँ पर दी क्यों पढ़े और यहाँ पर द क्यों पढ़े इसके बारे में हम लोग को अभी जानना है, ठीक। इसे हम इधर ध्यान से सुनेगा। तो देखो इसका नियम क्या है कि अगर किसी भी वर्ड में है ना, किसी भी वर्ड में अगर द के बाद यहाँ पर द लिखा हुआ, अगर द के बाद अगर जो वर्ड स्टार्ट होता है वो अगर वॉवेल रहेगा है ना, या फिर द के बाद स्टार्ट हो रहा है मान लो क्या आइस, ठीक, या फिर मान लो द के बाद स्टार्ट हो रहा है कुछ ऑरेंज है ना। तो किसी भी अगर मान लो ऐसा कोई भी वर्ड जहां पर द के बाद अगर आने वाला शब्द अगर या क्या है वॉवेल है, अगर द के बाद ऐसा वॉवेल है ना, अगर द के बाद आने वाला शब्द अगर वॉवेल है तो ऐसे जगह पर हम लोग द को ना क्या पढ़ेंगे, दी, पढ़ेंगे इसको दी, मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे दी एप्पल, दी आइस, दी ऑरेंज, समझा। और मान लो यहाँ पर रहता तो टी एच दी एलिफेंट, अगर यहाँ पर रहता एलिफेंट तो क्या पढ़ेंगे इसको, तो जहाँ भी अगर द के बाद जहाँ द दिया हुआ है द के बाद अगर कोई भी अगर वर्ड स्टार्ट होता है और उस वर्ड का स्टार्टिंग में अगर वॉवेल रहता है तो ऐसे वर्ड को हम लोग दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इस चीज को दिमाग में याद रख लेना। और अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर सपोज दैट ये हो गया तुम्हारा द के लिए, ये था तुम्हारा दी के लिए, अब देखो द कब पढ़ा जाता है, यहाँ पर क्या नियम बताए कि अगर कोई भी वर्ड अगर द के बाद अगर आता है तो वो अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, सपोज है ना, किससे स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, अगर कोई वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो वॉवेल से स्टार्ट होने पर उसको हम लोग द ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, उसी तरह अगर कोई वर्ड वॉवेल के छोड़ के वॉवेल के अलावा कितना टोटल कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कितना है टोटल 21, 21 कॉन्सोनेंट में कोई भी ए आई ओ यू को छोड़ के उसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट है बी डी एफ जी एच जितना भी कॉन्सोनेंट है अगर वो सबसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है द के बाद तो उसको हम लोग हमेशा द बोलेंगे, जैसे कि द क्या है, क्या हो जाएगा द बोलेंगे, द बॉल, क्या बोलेंगे द बॉल, ये द बॉल हो गया, ये द कैट हो गया, यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं द, या द क्या पढ़ रहे जगह द, यहाँ पर दी नहीं पढ़ेंगे, समझा। तो अच्छे से सब समझ गया क्या है क्या नहीं। तो कभी भी किसी वर्ड के बाद कोई भी अगर वर्ड है द के बाद है ना, द के बाद अगर कोई भी ऐसा वर्ड आए जिसका मतलब प्रोनाउंस या फिर जिसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है कि दी रहेगा, अगर स्टार्टिंग वर्ड मतलब वॉवेल रहेगा, सॉरी स्टार्टिंग वर्ड अगर वॉवेल रहता है तो उसको हम लोग दी पढ़ेंगे, और अगर द के बाद जो वर्ड आता है उस वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड क्या चीज है कॉन्सोनेंट है तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, समझ में आ गया। यस सर। अब देखो इसमें हम लोग अगला इधर हम लोग पढ़ लिए कि द को कब दी बोलेंगे और फिर दी को द कब बोलेंगे, मतलब इसके बारे में पता चल गया।
कभी भी किसी भी वर्ड का अगर द के बाद अगर स्टार्टिंग वर्ड अगर वोवेल है तो और स्टार्टिंग वर्ड अगर द के बाद कॉन्सोनेंट है क्या चाहिए द। एग्जांपल बता दिए जैसे कि द कैट क्या हो गया कि कैट है सी, तो सी क्या चाहिए तरह का कॉन्सोनेंट है, क्या बोलेंगे द कैट। वही दी एप्पल क्यों बोलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड क्या चाहिए एप्पल, और एप्पल जो ए जो है क्या चाहिए वो वोवेल हो गया। तो ये इससे ये पता चलता है कि कभी अगर द के बाद जो वर्ड आ रहा है वो अगर वोवेल रहेगा तो वोवेल रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज दी, अगर वोवेल ना रहा कि कॉन्सोनेंट है तो क्या बोलेंगे द। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सी को क का पढ़ा जाता है, सी को क का पढ़ा जाता है, सी को स का पढ़ा जाता है, समझा। जैसे कि तुम लोग मान लो बोलते हैं कि है किसी वर्ड का, जैसे कि हम क्या बताया था कि मान लो सपोज करो केला, क्या बोले थे मान लो केला है ना, केला लिखना आता है तो केला को इंग्लिश में कैसे लिखेगा, मान लो इसे इंग्लिश वर्ड लिखना है मान लो लिखना है काला, क्या लिखना है क्या लिखे के एल ए, केला लिखना था तो के एल ए लिखे, वही काला लिखना है तो के ए एल ए लिखे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग के ही क्यों लिखे, जैसे क था इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे के। जैसे कि हम लोग बर्तनिया, बर्तनिया में पढ़ा होगा कि क का क्या होता है के होता है, उसी तरह ख का क्या चीज होता है, उसी तरह बाकी आगे सबका होता है ना। तो पर हम लोग यहाँ पर देखे कि क था केला था इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे के, मतलब क था इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे के। तो उसी तरह मान लो है कैट, क्या है कैट, ये क्या हुआ कैट लिखा हुआ, तो कैट लिखा हुआ था यहाँ पर तो हम लोग को लिखना चाहिए ना के डबल कैट लिखना चाहिए, पर कैट ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं ना, तो क्या लिखते हैं सी ए टी कैट लिखते हैं, क्या लिखते हैं सी ए टी कैट। उसी तरह मान लो अगर हमें लिखना है क्रिकेट, क्रिकेट लिखना है, मान लो क्रिकेट लिखना है तो क्रिकेट लिखने के लिए हम लोग के का यूज करते हैं कि सी का यूज करते हैं, यहाँ पर क्यों सी आर आई सी के टी इसका यूज करते हैं ना। तो क्यों यहाँ पर देखो, यहाँ जैसे क था तो यहाँ के लिखे, यहाँ क था तो यहाँ भी के लिखे, तो यहाँ पर तो क है लेकिन यहाँ पर सी क्यों लिखे, यहाँ पर क है तो यहाँ पर सी क्यों लिखे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या नियम है, जिससे पता चलेगा कि कहाँ पर हम लोग सी को क लिखेंगे और सी को कहाँ पर स पढ़ेंगे। तो सी से इसे स पढ़ा लेंगे, जैसे हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर हम लोग सी को क लिखेंगे और सी को कहाँ पर स लिखेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर कैट था तो कैट को हम लोग क्या लिखे सी लिखे, है ना। उसी तरह हमें पढ़ेंगे कि यहाँ पर सी को, जैसे कि एक वर्ड आ जाएगा जैसे सपोज कर लो कि यहाँ सेंटर सी ई एन टी ई आर, तो यहाँ तो सी को यहाँ पर क्या लिख लो सी एस आर लिख रहे सेंटर, सेंटर लिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सेंटर। देखो एक यहाँ पर देखो सी को हम लोग क्या लिख रहे हैं स लिख रहे हैं, सेंटर लिख रहे हैं, जो यहाँ सेंटर लिखा उसी को सेंटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग सी को क्या लिख रहे हैं स, तो वही चीज हम लोग को पता भी करना है कि कहाँ पर सी को स लिखेंगे और कहाँ पर सी को क लिखेंगे, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो देखो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर कोई भी अगर सपोज कर लो कोई भी वर्ड है ना, किसी वर्ड में अगर सी के बाद कोई अगर शब्द है मान लो, तो किसी भी शब्द में ऐसा कोई शब्द जो अगर सी के बाद, सी के बाद अगर, सी के बाद अगर कोई भी शब्द आई बाद आई ई वाई से स्टार्ट होता हो, है ना, कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा शब्द जो बोलो सी के बाद अगर आई ई वाई से स्टार्ट होता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे सी को स पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे इसको उतारते जाना। तो कभी भी अगर सी के बाद, सी के बाद जो भी वर्ड आता है अगर वो आई से ई से या वाई से स्टार्ट होता है सी के बाद आने वाला शब्द, तो इसी जगह पर हम लोग सी को क्या पढ़ेंगे स। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बताया अभी कि सेंटर सी ई एन टी ई आर, है ना, इधर सी ई एन टी ई आर हो गया सेंटर, तो सी के बाद आने वाला शब्द क्या चाहिए ई है, ई है ना, तो सी के बाद क्या चीज आ रहा है ई। तो क्या बताया अभी हम कि सी के बाद अगर कभी भी कोई शब्द अगर आई और उसके शब्द में अगर आई ई और वाई रहता हो तो ऐसे जगह पर हम लोग सी को क्या पढ़ेंगे स पढ़ेंगे। या सेंटर, तो सेंटर को कैसे लिखेंगे हम लोग हिंदी में, सेंटर ऐसे लिखेंगे ना, सेंटर लिखेंगे ऐसे। तो इसे ये पता चलता है कि जब भी सी के बाद आई ई वाई रहेगा तो वहां पर सी को क्या पढ़ेंगे स। एक सेंटर हो गया, जैसे दूसरा वर्ड हम मान लो लेते हैं साइकिल, क्या लेंगे सी वाई सी एल ई,
सी के बाद वाई आ रहा है, वाई के लिए बताएं साइकिल कैसे लिखते हैं, साइकिल या साइकिल जो बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है सिक सा, इसी भी अगर वर्ड में ऐसा आता है जिसका हर सही का मात्रा तो ऐसे करो चाहे जो करो, साइकिल होता है ना ला है ला। तो किसी भी वर्ड में बताएं कि अगर सी के बाद आई ई वाई आता है, जैसे कि बताया है पर सी के बाद क्या चीज आया है, सी के बाद आया ई। यहाँ पर देखे तो सी के बाद ई था जिस कारण से यहाँ पर हम लोग क्या लिख लिया सेंटर। उसी तरह यहाँ पर सी के बाद क्या बताया था वाई रहता है, तो वाई भी रहता है क्या स्टार्ट हुआ साइकिल। उसी तरह आई वाला वर्ड लेते जैसे कि सर्कल, सी आई आर सी एल, क्या लिखेंगे इसको सर्कल। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग स सी को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर स लिख रहे हैं, सी को स लिख रहे हैं ना। पहले ध्यान दो, पहले उसके बाद लिख रहे सी के बाद बताए कि जहां भी अगर ई आई या फिर वाई रहता है, सी के बाद ई था तो वहां पर क्या पढ़ेंगे सी को स, और इसी तरह सी के बाद वाई था तो सी को क्या पढ़े यहाँ पर स, उसी तरह यहाँ पर सी के बाद आई था तो सी को क्या पढ़े स। मतलब कि यहाँ से लिखने के लिए क्या लिखे सर्कल साइकिल सेंटर ऐसे लिखे ना। उसी तरह अगर इसके अलावा सपोज कर लो कि और इसके अलावा जो भी वर्ड आएगा है ना, इसके अलावा जो भी अगर सी के बाद वर्ड आता है, जैसे कि सी के बाद मान लो आ गया कोई सी ए टिकट है ना, तो सी ए टिकट आया ना, तो यहाँ पर देखो कि आई यू आई इसमें से कोई आ रहा है सी के बाद नहीं आ रहा, सी के बाद कोई आई यू आई नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि यहाँ पर सी को क्या लिखेंगे क्या कहा लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या चीज क्या है ना, जैसे कि मान लो सी के बाद और कुछ लिखते हैं जैसे कि क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी, तो सी के बाद देखो क्या आर आ रहा है, आर इसमें से कह दिया आई यू आई को आ रहा है सी के बाद नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे क्रिकेट, तो का सी स्टार्ट करेंगे क्रिकेट है ना। इसी तरह मान लो यहाँ पर काउ सी ओ डब्ल्यू, तो यहाँ पर सी के बाद आई यू आई को आ रहा है नहीं, तो इसी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर का सी स्टार्ट होगा, तो काउ इसलिए है काउ। ये समझ में आ गया, चलो ठीक इसको अच्छे से उतार लो।